डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये एक टॉपिक ऐसा है जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जंतुओं के बारे में समझने के लिए, और पृथ्वी की जो पृथ्वी की बनी उसके बाद का जो पीरियड है उसमें किस पीरियड में किस प्रकार के जीव उत्पन्न हुए, किस प्रकार के प्लांट उत्पन्न हुए और किस प्रकार से रॉक्स बने, ये सारी की सारी चीजें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अपन पढ़ते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जूलॉजी का या बायोलॉजी का स्टूडेंट जब भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि कौन सा जीव या प्लांट है, वो कौन से पीरियड में ओरिजिनेट हुआ, कौन से पीरियड में उसका ज्यादा इवोल्यूशन हुआ और कब जाकर के वो एक्सटिंक्ट हुआ। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो इसका टाइम स्केल है, पृथ्वी बनी है तब से लेकर के अब तक का जो पीरियड है, पृथ्वी कब बनी, 4.6 बिलियन ईयर अगो, 4.6 बिलियन ईयर पहले है वो पृथ्वी बनी थी, तब से लेकर के अब तक का जो समय है, ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया है, उसी को अपन है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो ड्यूरेशन में जिसका सबसे ज्यादा ड्यूरेशन है उसको अपन ने इयोन बोला है, उसके बाद का जो कम जो ड्यूरेशन है उसको अपन ने ईराज बोला है, उसके बाद में कम ड्यूरेशन का उसको पीरियड्स, और उसके बाद में जो कम है उसको इपोसिस बोला है। तो सबसे पहले क्या होगा, इयोन, उसके बाद में ईरा, और उसके बाद में छोटा होगा वो पीरियड, और उसके बाद में होगा वो इपोज। कैसे डिवाइड किया, देखिए पृथ्वी ये जो अपना जो यूनिवर्स है वो 13.7 बिलियन ईयर पहले अपना यूनिवर्स बना था, ठीक है, और 13.7 बिलियन ईयर अगो से लेकर के 5.6 बिलियन ईयर तक का जो पीरियड है, 13.7 से लेकर के 5.6 तक का जो पीरियड है, अपन यहां उल्टा चल रहे हैं क्योंकि पुराने समय से नए समय तक ही आ रहे हैं, 13.7 बिलियन ईयर पहले से लेकर के 5.6 बिलियन ईयर तक का जो पीरियड है उसको डार्क जोन बोलते हैं, और इस पीरियड में यहां से 13.7 बिलियन ईयर पहले अपना यूनिवर्स बना था, 5.7 से लेकर के 4.6 पीरियड यहां आकर के क्या हुआ, अर्थ का निर्माण हुआ 4.6 बिलियन ईयर अगो, और तो इसका बीच का जो पीरियड है वो सोलर सिस्टम जो हमारा जो डेवलप हुआ वो इस पीरियड में सोलर सिस्टम डेवलप हुआ। तो पृथ्वी का निर्माण कब हो गया, आज से 4.6 बिलियन ईयर अगो, वहां से लेकर के आज तक का पीरियड है वो अपन ने डिवाइड कर रखा है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सबसे पहले अपन ने बताया कि इयोन होता है, फिर ईरा होता है, उसके बाद पीरियड, उसके बाद में इपोचेज होते हैं। देखिए यहां पे दो इयोन है, या यू मान लीजिए आप इसको दोबारा से, इसमें चार इयोन होते हैं। देखिए यहां पर अपने शुरू कर रखा 4.6 बिलियन ईयर से 600 मिलियन ईयर अगो, चार इयोन है, हेडन इयोन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और चौथा है फेनेरोजोइक, चार इयोन है, हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक, चार इयोन में डिवाइड किया गया पृथ्वी का जो पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम है उसमें चार इयोन है बड़े बड़े। ये जो हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक है इन तीनों को मिलाकर के कैम्प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन भी बोलते हैं, तो यू कह सकते हैं कि एक सुपर इयोन हो गया, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन, इन तीनों को मिलाकर के, तीनों इयोन को मिलाकर के एक क्या बना दिया, सुपर इयोन। कुछ साइंटिस्ट ने इसी पीरियड को क्या कहा है, क्रिप्टोजोइक इयोन। देखिए अपने चार इयोन बताए, हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक,
इन्हीं तीनों को मिलाकर के बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन सुपरियन, और इसी को बोला जाता है क्रिप्टोजोइक ईयन। ठीक है, तो अगर ये क्रिप्टोजोइक ईयन प्री कैम्ब्रियन सुपरियन का नाम ही क्या है, क्रिप्टोजोइक ईयन है, तो टोटल चार ईयन हो गया, हेडन, आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेनेरोजोइक। अब देखिए आप, ये जो प्री कैम्ब्रियन सुपरियन है ये 4.6 बिलियन ईयर से लेकर के 600 मिलियन ईयर तक का टाइम है, पृथ्वी बनी तब से लेकर के अब से 600 मिलियन ईयर पहले तक का जो समय है वो क्या है, प्री कैम्ब्रियन सुपरियन है। इसमें हेडन 4.6 से 4 बिलियन ईयर को, आर्कियन 4.0 से 2.5 बिलियन ईयर को, और प्रोटोजोइक वो 2.5 बिलियन ईयर से लेकर के 600 मिलियन, यहां सब तक सब जगह मिलियन है लेकिन यहां पर क्या है, मिलियन है, ये बिलियन और ये क्या मिलियन। तो ये तीन ईयन है, इनके बारे में अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इन तीन ईयन के बाद में देखिए आप, चौथा ईयन कौन सा आता है, फेनेरोजोइक ईयन। इस फेनेरोजोइक ईयन को तीन ईरा में डिवाइड कर रखा है, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। पैलियोजोइक जो है उसको पीरियड्स में डिवाइड कर रखा है, छह पीरियड में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला कैम्ब्रियन, दूसरा ओल्डोविशियन, तीसरा सिलूरियन, चौथा डिवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस और छठा है परमियन। कार्बोनिफेरस को दो में डिवाइड कर रखा है, सब डिवाइड कर रखा है, मिसिसिपियन और पेनिसिल्वेनियन। तो ये सिक्स क्या हो गए, पीरियड्स, किसमें, पैलियोजोइक इरा में। पैलियोजोइक इरा किसमें आता है, फेनेरोजोइक ईयन में। जो मीजोजोइक इरा है उसमें तीन है, ट्राइएसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। ट्राइएसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। और उसके बाद में जो थर्ड एरा है वो कौन सा है, सीनोजोइक। और सीनोजोइक के अंदर तीन, दो इसके अंदर अपन ने पीरियड बता रखे हैं, क्वार्टनरी और टर्शियरी और क्वार्टनरी। ये दो क्या है, पीरियड है, किसमें, सीनोजोइक में। अब अपने उसके बाद में कहा कि पीरियड के बाद में अपने क्या बनाए, इपोच। इन सभी में किसी में इपोच नहीं है, लेकिन सीनोजोइक जो इरा है, रिसेंट वाला जो इरा है, उस इरा के अंदर दो है, टर्शियरी और क्वार्टनरी। टर्शियरी के अंदर देखिए पांच इपोच है, पेलियोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। ये पांच क्या है, इपोच है, किसमें, क्वार्टनरी में, नहीं टर्शियरी में। और टर्शियरी किसमें आता है, सीनोजोइक इरा के अंदर। ये पांच इपोच है, और जो क्वार्टनरी है उसके अंदर दो इपोच है, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। प्लिस्टोसिन है और होलोसिन। होलोसिन अभी जो चल रहा है रिसेंट में वो कौन सा है, होलोसिन, जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ था और आज तक चला आ रहा है। इसमें अपन उल्टे चलेंगे, 4.6 बिलियन ईयर से 4 पर आ गए, 2.5 बिलियन पर आ गए, 600 मिलियन मिलियन पर आ गए, 600 मिलियन से ये पीरियड चलता आ रहा है, ये लास्ट में रिसेंट तक का पीरियड। ये टोटल पीरियड है जो अब कैम्ब्रियन है वो 600 मिलियन ईयर अगो से लेकर इसके 500 मिलियन ईयर अगो तक है। सब में यहां पर मिलियन ईयर अगो है, ये 500 से स्टार्ट होगा 425 मिलियन ईयर अगो, ये 425 से 405 मिलियन ईयर अगो। तो ये सब इनका ड्यूरेशन दे रखा है, अपने प्रत्येक पीरियड का ड्यूरेशन दे रखा है, यहां इपोचेज है उनका ड्यूरेशन दे रखा है। तो इस प्रकार से ये अपन ने एक टाइम, एक टेबल बनाई है जिसमें ड्यूरेशन के आधार पर अपन ने ईयन बनाए चार, हेडन, आर्कियन और प्रोटोजोइक, और चौथा है फेनेरोजोइक। इन तीन को कंबाइंड रूप से प्री कैम्ब्रियन सुपरियन भी बोलते हैं और क्रिप्टोजोइक ईयन भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है फेनेरोजोइक ईयन, जिसके अंदर तीन अपन ने इरा बताया, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। पेलियोजोइक के अंदर अपन ने छह पीरियड बताए, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन,
सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। मीजोजोइक में तीन और सीनोजोइक में दो, और इसमें जो इपोजेज है वो टर्शरी के अंदर पांच, पेलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। और क्वार्टरनरी के अपन ने बताया प्लेस्टोसिन और होलोसिन दो इपोजेज है, तो इपोजेज केवल यहां पर ही है, बाकी पीरियड जितना भी है पीरियड्स है, जितने भी पीरियड्स है उनको अपन ने इपोज में नहीं डिवाइड कर रखा है, केवल टर्शरी और क्वार्टरनरी को इपोज में डिवाइड कर रखा है। तो ये एक टाइम टेबल है इनका। शुरुआत करते क्या होता है, देखिए पहला लेते हैं अपन प्री कैम्ब्रियन सुप्रियन जिसके अंदर हेडन है। इस हेडन पीरियड में क्या हुआ था, पृथ्वी के बनने के जस्ट बाद में ही पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे बम्बार्डमेंट हो रहे थे, उल्का पिंड जो एस्टेरॉइड्स है वो आपस में टकरा रहे थे, ज्वालामुखी है वो बहुत ज्यादा ज्वालामुखी हो रहे थे, टेम्परेचर सी लेवल का जो है वो 230 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री एटमोस्फियर प्रेशर था, इस पीरियड के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं थी, और धीरे धीरे वो लिक्विड ओशन है वो उनका बनना प्रारंभ हो गया था। किसमें, हेडन में, हेडन योन में। आर्कियन योन में क्या हुआ, हेडन दोबारा बताता हूं, बम्बार्डमेंट होते थे खूब सारे और उसके बाद में एस्टेरॉइड इंपैक्ट उल्का पिंड आपस में टकराते थे, बहुत सारे ज्वालामुखी आते थे, उसके बाद में यहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, लिक्विड ओशन बन गया। नेक्स्ट आता है आर्कियन। यह आर्कियन जो पीरियड है वो 4.0 बिलियन ईयर से लेकर के 2.5 बिलियन ईयर तक का पीरियड है। यहां पर देखिए लाइफ का बनना प्रारंभ हो गया, सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स या साइनोबैक्टीरिया डेवलप हो गए, बट ऑक्सीजन इस पीरियड में भी नहीं थी। धीरे धीरे ये जो प्रोटोजोन्स है या बैक्टीरिया जो डेवलप हुए उन्होंने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, किसमें, प्रोटेरोजोइक में। प्रोटेरोजोइक जो है उसमें बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का बनाना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, यूकेरियोट्स भी डेवलप हो गए, मल्टी सेलुलर है वो एनिमल डेवलप हो गए। इस तरीके से ये एक क्रिप्टोजोइक हेडन है, इसको हेडन ईरा भी बोलते हैं, योन भी बोलते हैं इस तरीके से, और फेनेरोजोइक को विजिबल बोलते हैं। तो ये है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो आता है वो आता है फेनेरोजोइक योन। तो अपन ने इनका टाइम पर पढ़ लिया, उसके बाद में अपन हेडन पढ़ लिया, आर्कियन पढ़ लिया और प्रोटेरोजोइक पढ़ लिया। उसके बाद में जीवों का जो सबसे ज्यादा ओरिजिन हुआ वो यहां से प्रारंभ हुआ है। तो ये अपन ने पहला क्रिप्टोजोइक योन पढ़ा, नेक्स्ट अपन लेते हैं फेनेरोजोइक योन के अंदर कैम्ब्रियन पीरियड। नेक्स्ट लेते हैं अपन कैम्ब्रियन पीरियड। तो पहले अपन ने तीन योन जो पढ़े हैं वो कौन से है, हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोइक। उसके बाद में आता है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक में क्या आता है, ईरा, कौन सा, पैलियोजोइक ईरा। और इस पैलियोजोइक ईरा के अंदर अपन ने छह पीरियड है, उसमें सबसे पहला कौन सा है, कैम्ब्रियन। अब ये कैम्ब्रियन पीरियड 600 मिलियन ईयर को स्टार्ट होता है, और इसके अंदर ये जो पीरियड है वो इस पीरियड के अंदर मैक्सिमम इवोल्यूशनरी प्रोसेस हुए थे। या एक चीज और बताता हूं आपको, जो प्री कैम्ब्रियन ईयोन है और फेनेरोजोइक ईयोन है, इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, वो क्या है, ट्राइलोबाइट्स। यानी फर्स्ट एनिमल फॉसिल कौन सा था, ट्राइलोबाइट्स, जो कि प्री कैम्ब्रियन ईयोन और फेनेरोजोइक ईयोन के बीच में, बीच के पीरियड में मिला था, कौन सा, ट्राइलोबाइट्स, जो कि आर्थ्रोपोडा में अपन शामिल करते हैं, और उसके बाद में इसके फॉसिल भी मिले अपने को। तो ये उस समय, और उसके बाद में ये डिसअपीयर भी हो गया, एक्सटिंक्ट भी हो गए। तो ये जो कैम्ब्रियन पीरियड है, इसी पीरियड के अंदर फर्स्ट एनिमल फॉसिल ट्राइलोबाइट्स मिला, मैक्सिमम इवोल्यूशनरी प्रोसेस यहाँ पर हुआ था, क्योंकि जो यहाँ पर उस समय क्या था, ओशिनिक लाइफ थी, नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, टेरेस्ट्रियल लाइफ तो थी नहीं। तो जो ओशिनिक लाइफ थी, तो ओशिन में, आज जो ओशिन में पाए जाने वाले हैं वो जो जंतु उस समय में, मैंने मैक्सिमम जो फाइला है वो एस्टेब्लिश हो चुके थे, मॉडर्न फाइला एस्टेब्लिश, मोस्ट मॉडर्न फाइला एस्टेब्लिश, यानी ओशिन में पाए जाने वाले, समुद्र में पाए जाने वाले जो इकाइनोडर्मेट्स है, ठीक है, पोरिफेरेंस है, और इसके अलावा कुछ मोलस्कंस है, वो सारे के सारे जंतु इस पीरियड में एस्टेब्लिश हो गए थे, और इसके अलावा मेराइन एल्गी भी इस पीरियड में ओरिजिनेट हुई थी। तो ये है कैम्ब्रियन पीरियड, वो पीरियड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जंतुओं का इवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद में आता है ओर्डोविशियन।
ऑर्डोविशियन में क्या फर्स्ट वर्टिब्रेट डेवलप हुए थे, ये वो पीरियड है जहां पे फर्स्ट वर्टिब्रेट बने थे, जालेस फिश, ठीक है, जालेस फिश किस पीरियड में बनी थी, ऑर्डोविशियन पीरियड में। और या यू कह सकते हैं कि फर्स्ट बोन वाले जंतु है, फर्स्ट एनिमल विद बोन भी इस पीरियड में बनने लगे थे। कोरल्स जो आज पाए जाते हैं वो कोरल्स भी इस पीरियड में बनने लगे, ओरिजिनेट हुए थे। और टेरिस्ट्रियल लाइफ बिगिन, यहां तक तो क्या था ओशनिक लाइफ, और अब यहां ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर टेरिस्ट्रियल लाइफ है वो प्रारंभ हो चुकी थी। उसके बाद में आता है सिलूरियन पीरियड। तो यहां पर देखिए ये सिलूरियन पीरियड, अपने यहां करेक्टर लिखे, इस सिलूरियन पीरियड में क्या फर्स्ट लैंड प्लांट्स यानी जमीन पे पाए जाने वाले प्लांट्स है वो ओरिजिनेट हो गए थे, बनने लग गए थे, उगने लग गए थे। एयर ब्रीदिंग एनिमल मेड देयर अपीयरेंस, हवा से श्वसन करने वाले जंतु को का यहां पर बाहुल्य होने लग गया। क्योंकि जब यहां पे अपन कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल लाइफ शुरू हो गई किसमें, डिवोनियन ऑर्डोविशियन में, तो सिलूरियन में क्या हुआ इनका बाहुल्य होने लग गया। कोरल जो यहां पे बने थे उन कोरल की संख्या बढ़ गई और उन्होंने कोरल रीफ भी बनाना शुरू कर दिया था। राइज ऑफ फिशेज, फिशेज भी यहां पर काफी मात्रा में बढ़ने लगी थी। और ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स है उनका ओरिजिन यहां पर प्रारंभ हो गया था। तो ये पीरियड कौन सा था, सिलूरियन पीरियड। अपन ने अभी पढ़ा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिलूरियन। ऑर्डोविशियन और सिलूरियन पीरियड के बीच में मास एक्सटिंक्शन हुआ था। अब तक चार मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि ये पांचवा एक्सटिंक्शन अभी शुरू हो चुका है, जो आगे जाकर के अपने को पता चलेगा इसका, लेकिन अभी अपन इसको फिल नहीं करें। ये पांचवा मास एक्सटिंक्शन प्रारंभ हो चुका है। तो ये पहला मास एक्सटिंक्शन इन दो पीरियड के बीच में हुआ था। तो जो गोंडवाना जो है वो उसका डिप्टिंग होने की वजह से, सी लेवल में चेंज आने की वजह से, और यहाँ पर समुद्र में पाए जाने वाले बहुत सारे जीव उस समय खत्म हो गए थे। उसके बाद में सिलूरियन। अब आते हैं अपन डिवोनियन पीरियड में। ये डिवोनियन पीरियड की अपन ने करेक्ट लिखा है, एज ऑफ फिशेज कहा जाता है इस पीरियड को, एज ऑफ फिशेज, क्योंकि इस पीरियड में बहुत ज्यादा मात्रा में फिशेज पाई जाती थी। यद्यपि लंग फिश इस पीरियड में ओरिजिनेट हुई थी, डेवलप हुई थी या ओरिजिनेट हुई थी किसमें, डिवोनियन पीरियड में। इस पीरियड को क्या कहा जाता है, एज ऑफ फिशेज, क्योंकि इस पीरियड में लंग फिश, शार्क, रेज बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती। लंग फिश का ओरिजिनेट भी इसी पीरियड में हुआ था। एक इंपॉर्टेंट और है, एम्फीबियन ओरिजिनेटर्स, एम्फीबिया भी इसी पीरियड में ओरिजिनेट हुए हैं। एम्फीबिया ओरिजिनेट हुए और फिशेज की मात्रा इस पीरियड में ज्यादा थी। ट्राइलोबाइट डिक्लाइन, यहां पर जो ट्राइलोबाइट्स अपने को मिले वो ट्राइलोबाइट्स है यहां पर, अब क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गए। फर्स्ट फॉरेस्ट प्लांट एस्टेब्लिश, जंगल में पाए जाने वाले प्लांट्स जो है वो उगने लग गए, फर्न यहाँ पर अपीयर हुआ, और मॉडर्न वेस्कुलर प्लांट यहाँ पर बनने लगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिलूरियन में ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर प्लांट है और यहाँ पर मॉडर्न वेस्कुलर प्लांट का बनना प्रारंभ हो गया था किसमें, डिवोनियन पीरियड में। तो ये था डिवोनियन पीरियड। उसके बाद में आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पीरियड को अपन ने दो में डिवाइड कर रखा है, मिसिसिपियन और पेनिसिल्वेनियन। मिसिसिपी पीरियड में अपने बहुत ज्यादा लिया स्प्रेड ऑफ एंशियंट सार्क, जो पुरानी जो सार्क है, प्राचीन सार्क है, उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ गई किसमें, मिसिसिपियन में। और पेनिसिल्वेनियन में देखिए फर्स्ट रेप्टाइल्स यहाँ बने हैं किसमें, पेनिसिल्वेनियन। कार्बोनिफेरस का जो उपवर्ग है उसके अंदर फर्स्ट रेप्टाइल्स बनने शुरू हो गए। स्प्रेड ऑफ एम्फीबियन, जो एम्फीबियन यहाँ पर ओरिजिनेट हुए थे अब उनका मात्रा उनकी संख्या बढ़ने लगी। और लिजार्ड और विंग्ड इंसेक्ट भी इस पीरियड के अंदर काफी मात्रा में बढ़ गए। उसके बाद में आता है परमियन, पैलियोजोइक का लास्ट क्या आता है, परमियन पीरियड। इस परमियन पीरियड में देखिए ट्राइलोबाइट्स डिसअपीयर, यहां पर जो अपने को फॉसिल मिले हैं कुछ किसमें, ट्राइलोबाइट्स के, तो ये ट्राइलोबाइट्स यहां पर है वो डिसअपीयर होने शुरू हो गए थे। और ये ट्राइलोबाइट्स के बारे में देखिए, फर्स्ट रेप्टाइल जो कोटिलोसॉरस है, जिसमें आगे जाके खूब सारे डायनासोर्स बने थे, तो फर्स्ट रेप्टाइल कोटिलोसॉरस इसी पीरियड में बना था। उसके बाद में थेरैपसिड, रेप्टाइल लाइक मेमल,
रेप्टाइल लाइक मेमल जिसका अपन नाम क्या लेते हैं थिरेपसिड्स, वो थिरेपसिड्स भी है, वो परमियन पीरियड में बनने लग गया था। तो इस प्रकार से ये पेलियोजोइक इरा के छह क्या है पीरियड जो अभी अपन ने पढ़े। उसके बाद में आता है, देखिए आपने यहां पर एक मास एक्सटिंक्शन बताया था, इसके बाद में डिवोनियन पीरियड के बाद में भी एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था। पहला आपने मास एक्सटिंक्शन कहां बताया था, ओर्डोविसियन और सिलूरियन के बीच में। सेकेंड मास एक्सटिंक्शन है डिवोनियन पीरियड के बाद में, इसमें भी क्या सी लेवल में चेंज आने के बाद में यहां पर भी एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जो इसमें काफी जंतु है वो विलुप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो ये है पेलियोजोइक इरा। उसके बाद में लेते हैं अपन मीजोजोइक इरा। तो नेक्स्ट लेते हैं अपन मीजोजोइक इरा, पेलियोजोइक इरा के बाद में मीजोजोइक इरा। अब मीजोजोइक इरा है उसके अंदर आपने बताया तीन पीरियड है, ट्राइएसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। तीन पीरियड है इसके अंदर, ट्राइएसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। इन पीरियड में देखते हैं अपन किन का ओरिजिन हुआ था, कौन से बहुतायत में पाए जाते थे, किन का एक्सटिंक्शन हुआ था। तो सबसे पहले लेते हैं ट्राइएसिक। ये देखिए ट्राइएसिक सबसे पहला प्रिमिटिव मैमल्स, यहां पर ट्राइएसिक के अंदर प्रिमिटिव मैमल है वो, जैसे प्रोटोथीरियन, मोनोटिम्स, ये अपीयर हो गए किसमें, ट्राइएसिक में। तो यानी प्रिमिटिव मैमल कहां से स्टार्ट हो गए, ट्राइएसिक पीरियड से ओरिजिन होना शुरू हो गया उनका। उसके बाद में जो फर्स्ट डायनोसोर्स है इसका नाम क्या है, टेरोसोर्स, वो भी यहां पर अपीयर हो गया किस पीरियड में, ट्राइएसिक में। और एक्सटिंक्शन ऑफ प्रिमिटिव एम्फीबिया, जो ऑर्डोविशियन में अपन ने एम्फीबिया का इमर्जेंस देखा था, यहां पर देखिए प्रिमिटिव एम्फीबियन है वो, उनका विलुप्तिकरण शुरू हो गया, लेकिन मॉडर्न में एम्फीबिया वो आगे डेवलप कर रहे थे। तो ये पीरियड था कौन सा, ट्राइएसिक। ट्राइएसिक के बाद में आता है जुरेसिक। जुरेसिक में देखिए फर्स्ट टूथ बर्ड अपीयर, ऐसे पक्षी अपीयर हुए जिनकी चोंच में दांत थे, यानी प्रिमिटिव बर्ड्स अपीयर हो गए एक तरीके से यूं कह सकते हैं। डायनोसोर्स डाइवर्सिफाइड, जो टेरोसोर्स, कोटिलोसोर्स, इस प्रकार से इनसे बनने वाले खूब सारे डायनोसोर्स, क्योंकि जुरेसिक पीरियड के अंदर ही सबसे ज्यादा डायनोसोर्स ने ही फ्लोरिश किया। जुरेसिक पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा डायनोसोर्स पाए जाते थे। इंसेक्टिवोस, मार्सुपियल्स अपीयर्ड, यहां पर देखिए मार्सुपियल्स भी अपीयर हो गए और फ्लोरिंग प्लांट्स भी अपीयर हो गए जुरेसिक पीरियड के अंदर। उसके बाद में आता है क्रिटेशियस पीरियड, डिवीजन ऑफ डायनोसोर्स रीच पीक। डायनोसोर्स है ना वो अपने पीक पे थे और उनका एक्सटिंक्शन शुरू होगा, इसका मतलब डायनोसोर्स का विलुप्तिकरण किसमें हुआ, क्रिटेशियस पीरियड के अंदर। और ये सबसे ज्यादा फ्लोरिश कब किए थे वो, जुरेसिक पीरियड के अंदर, और अपीयर कब शुरू हो गए, ट्राइएसिक में। तो देखिए मीजोजोइक पीरियड है उसको एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर इस पीरियड के अंदर रेप्टाइल्स है वो ज्यादा डेवलप हुए। और इसके बीच में भी देखिए जुरेसिक पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा डायनोसोर्स है, तो एज ऑफ डायनोसोर्स कौन सा हो गया, जुरेसिक पीरियड। अब डायनोसोर्स यहां ट्राइएसिक में अपीयर हुए, यहां सबसे ज्यादा फ्लरिश किए, और यहां क्रिटेशियस में जाकर के वो डिसअपीयर हो गए। तो ये एक तरीके से मीजोजोइक इरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स ही बोलते हैं। तो यहां पर इसमें क्रिटेशियस पीरियड में देखिए आप डायनोसोर्स एक्सटिंक्ट भी हो गए, टूथ बर्ड है वो यहां पर एक्सटिंक्ट हो गए। अब देखिए टूथ बर्ड एक्सटिंक्ट हो गए। फर्स्ट प्राइमेट एंड स्नेक बनने लगे, प्राइमेट यहां पर कुछ प्राइमेट है वो बनने लगे। फर्स्ट मॉडर्न वर्ड यहां पर डेवलप हो गए। आर्किक मेमल्स कॉमन, मार्सुपियल और प्रिंसेंट्रल मेमल्स भी बनने लगे। उसके बाद में आता है टर्सरी सिनोजोइक, क्रिटेशियस के अंदर अपने बता दिया। उसके बाद में आता है सिनोजोइक इरा, तो तीसरा जो इरा है वो सिनोजोइक है। और सिनोजोइक के अंदर अपने बताया दो पीरियड होते हैं, टर्सरी और क्वार्टरनरी। तो टर्सरी पीरियड जो है उसके अंदर अपने पांच क्या बताए थे, इपोच बताए थे, पांच इपोच किसमें, टर्सरी पीरियड में। और पांच पीरियड में जो इपोच है वो कौन कौन से, टर्सरी के अंदर पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन।
अब देखिए यहां पे क्या है, मेंबर्स एज ऑफ मेंबर्स कहा जाता है इसको, इसको टर्सरी पीरियड को, सीनोजोइक जो पीरियड है उसको क्या कहा जाता है, एज ऑफ मेंबर्स। तो देखिए प्लियोसीन के अंदर क्या, डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव मेंबर्स, ईओसीन में प्रेसेंटल मेंबर डाइवर्सिफाइड, प्रेसेंटल मेंबर यहां पर बनने लगे लेकिन यहां पर डाइवर्सिफाइड हो गए, खूब सारे हो गए, हुप वाले मेंबर बनने लगे। ओलिगोसीन में क्या, मेंबर कंटिन्यू टू ग्रो लार्ज, यानी ओलिगोसीन के अंदर मेंबर्स है वो काफी डेवलप हुए। मायोसीन पीरियड में देखिए एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन एंड मंकी ड्रायोपिथिकस अपीयर हुआ यहाँ पे मायोसीन में। ये ड्रायोपिथिकस क्या है, जो मॉडर्न मैन है और जो मंकी है उनका पूर्वज है, जो कि मायोसीन पीरियड के अंदर अपीयर हुआ। प्लायोसीन पीरियड में देखिए मैन इवोल्विंग हॉर्स और मानव का खूब इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में जो एलिफेंट है और कैमल है उनका इवोल्यूशन हुआ। तो इस तरीके से ये अपन इसको सीनोजोइक इरा को अपन एज ऑफ मेंबर्स बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी के अंदर दो अपन ने इपोज बताए, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। प्लिस्टोसिन में क्या है, एक्सटेंशन ऑफ लार्ज मेंबर, जो बहुत बड़े मेंबर है उनका विलुप्तिकरण हो गया, और जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न वुमन है, जिसमें क्रोमैग्नन है, नियंडरथल मैन है, हेडलबर्ग मैन है, ये सब यहाँ पर इस पीरियड के अंदर वो अपीयर हुए, किसमें, प्लिस्टोसिन के अंदर। तो मोस्टली जो वुमन का जो इवोल्यूशन हुआ वो इसी पीरियड में हुआ, किसमें, प्लिस्टोसिन में। होलोसिन राइज ऑफ वुमन सिविलाइजेशन, होलोसिन के अंदर क्या, जो आदमी जो है उसकी वुमन सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, आदमी की सभ्यता का विकास जो है वो ज्यादातर इसी होलोसिन में पीरियड में हुआ और वो चलता आ रहा है, ये प्रेजेंट का पीरियड है। तो इस तरीके से ये अपना जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिसमें अपन ने पहले एक प्री कैम्बरियन ईयोन पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने तीन ईयोन फिर वापस बताए थे, हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। उसके बाद में जो दूसरा ईयोन है वो है फेनेरोजोइक, जिसके अंदर तीन ईरा बताए अपन ने, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। पेलियोजोइक में अपन ने ये छह पीरियड देखे, और उसके बाद में मीजोजोइक के अंदर तीन पीरियड और सीनोजोइक के अंदर दो पीरियड, टर्सरी और क्वार्टरनरी। लेकिन टर्सरी और क्वार्टरनरी के अंदर इपोचेज है, टर्सरी के अंदर पांच इपोच और क्वार्टरनरी के अंदर ये दो इपोच। तो इस तरीके से ये जो ह्यूमन बीइंग तक का डेवलपमेंट, यानी पृथ्वी बनी तब से लेकर के अब तक का ये जो जो किस समय कौन कौन से जंतुओं का विकास हुआ, किस समय कौन कौन से ज्यादा पाए जाते थे और कब कौन सा एक्सटिंक्शन हुआ था। इसी के अंदर मैं एक और बता देता हूँ कि अब तक चार मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, जिसको अपन विलुप्तिकरण कहते हैं, और वो विलुप्तिकरण मास एक्सटिंक्शन का मतलब है लगभग 70% जंतु से ज्यादा का विनाश, विलुप्त हो जाना मास एक्सटिंक्शन कहलाता है। और वो मास एक्सटिंक्शन एक ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन के बीच में होता, फर्स्ट, सेकेंड डिवोनियन के बाद में होता, थर्ड परमियन के बाद में हुआ था, फोर्थ है वो ट्राइएसिक के बाद में हुआ था, और क्रिटेशियस के बाद में अब चल रहा है फिफ्थ को अभी भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिफ्थ है वो स्टार्ट हो चुका है, क्रिटेशियस पीरियड से स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं कि रिसेंट में बहुत सारी है वो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, तो फिफ्थ भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये चार जो है ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन के बीच में, डिवोनियन के बाद में, परमियन के बाद में और ट्राइएसिक के बाद में, ये चार मास एक्सटिंक्शन है, जिसका अपन वीडियो अपन बाद में बनाएंगे कि ये मास एक्सटिंक्शन क्यों हुए, यद्यपि ज्यादातर क्लियर नहीं है, बट अपन कोशिश करेंगे कि ये चार क्यों हुए और इसमें कितने और कौन कौन से जो एनिमल्स हैं उनका एक्सटिंक्शन हुआ था, तो उस वीडियो को अपन अलग से बनाएंगे। और ये था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। थैंक्स।